हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में बात करेंगे TS हैवी ड्यूटी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के बारे में। हमारा अपना ट्रेनिंग स्कूल है। आपका दिल करता है मोबाइल क्रेन सीखने के लिए, JCB या अदर हैवी इक्विपमेंट्स या ट्रलर सीखने के लिए, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। जहाँ पर मैं अभी आपको रियल जो हमारे पास चल रहा है, हमारी रहायश हो गया, खाने का प्रबंध हो गया, जहाँ हमारे ऑफिस का पूरा मैं आपको डिटेल्स जहाँ पर दूंगा। आप कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम मेरे बड़े भाई से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे भी कॉल कर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखेंगे हमारे ट्रेनिंग के सेंटर को, कितनी हमारे पास जगह है, कहाँ कैसे, मतलब कैसे कैसे हम लोग आपको जहाँ पर ट्रेनिंग दे पाएंगे और कितने बजट में दे पाएंगे, पूरी डिटेल्स आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, पहले जानते हैं अपनी मोबाइल क्रेन के बारे में, कैसे हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, कौन कौन से हमारे पास अच्छे ऑपरेटर हैं। चलिए बढ़ते हैं मोबाइल क्रेन। जो हमारी सामने आप देखोगे तो मोबाइल क्रेन हमारे ट्रेनिंग स्कूल की जो मोबाइल क्रेन है, पूरे पंजाब में एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है, TSS हैवी ड्यूटी ड्राइविंग, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिनके पास मोबाइल क्रेन अवेलेबल है। नहीं तो पूरे पंजाब में किसी के पास भी मोबाइल क्रेन अवेलेबल नहीं है। आपको मोबाइल क्रेन की किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग करनी है तो आप हमारे पास आ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। चलिए मोबाइल क्रेन आपको दिखाते हैं, और ये वाली मोबाइल क्रेन है, और ये हमारे ऑपरेटर सीनियर ऑपरेटर है मोबाइल क्रेन जो सिखाते हैं, ट्रेनर हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है TSS के खिलाफ? एक्सपीरियंस में बढ़िया है सर, बढ़िया काम चला है, आरामदायक से काम चला है। अपनी सेफ्टी में काम करते हैं, सभी काम करते हैं क्रेन का। हमारी क्रेन 50 टन की है। हम अपने जो स्टूडेंट आते हैं उनको बताते हैं वे कैसे काम करना है, कैसे हाइट बना के काम किया जाता है, कैसे डिग्री में काम किया जाता है, कैसे काम कोई 0-0 पीस रखना होता है, कैसे पोजीशन पे पीस रखा जाता है, कोई वेट उठाना, वेट अपने लोड में उठाना, सभी कुछ सिखाया जाता है। तो ये वाली जो क्रेन है 50 टन की मोबाइल क्रेन है, तो इनके जो ट्रेनर है, देखिए बोल बानी से आपको मालूम चल जाएगा कि ट्रेनर कैसा है। जो आदमी आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि हम ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कैसा वो ट्रेनर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये फोर क्लिप है, और इनसे मैं पूछ लेता हूँ आप सीखने की है। तो ये भाई आप देख सकते हो सीखने के हैं, जो जे वाले हैं पीछे हैं, ये फोर क्लिप के ट्रेनर हैं, ठीक है। वो भी तुम मतलब सिखाते पे जे बिल्कुल सेफ्टी च सेफ्टी सिखा दें, मतलब कहीं जी आप ट्रेनिंग कराने जी साढ़े को मैक्सिम जे मतलब कि यूपी तो या बहरों जिन्हें भी साढ़े को आते वर्कर या सीखने वास्ते स्टूडेंट आते हैं, तो संतुष्ट है सब तो बिल्कुल जी। तुम आप देख सकते हो कि जे हमारे दो ट्रेनर थे फोर क्लिप एंड अदर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर 50 टन के। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पूरा ओपन एरिया है, ये वाला पूरा ओपन एरिया है, और आप देखोगे हमारी JCB है और हमारी एक्सकवेटर उधर खड़ी है, तो हमारे पास बहुत ओपन एरिया है। ये साइड में रिहायश है हमारी, तो रिहायश का मैं आपको अभी पूरी डिटेल्स दूंगा, रिहायश का खाने का कैसा, पूरे जो वाशरूम का पूरी डिटेल्स आपको दूंगा, ऑफिस के बाद बाद में बताऊँगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट आते हैं, पहले आप सर्टिफाइड होना चाहते हो आप कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर पूरे पंजाब में एक नंबर में है। आप मेरे फेस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि आपके साथ कोई भी ऐसा चांस नहीं होने वाला है। आप विजिट करो यार एक बार, ठीक है। आपको लगता है TSS ट्रेनिंग सेंटर जहाँ दलबीर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आइए इस ट्रेनिंग सेंटर में आइए, अपना एडमिशन कराइए और एक अच्छी नॉलेज हासिल कीजिए, एक अच्छी हैवी इक्विपमेंट या हैवी ड्यूटी ड्राइविंग की आप एक अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी एक्सकवेटर है, जानते हैं पूरी इसकी डिटेल्स। ये स्टूडेंट है सीखने के लिए आया हुआ है, ठीक है। अरे कहाँ से हो आप? मैं यूपी से कोरापुर जिले का हूँ। मेरा नाम सर सिद्दीकी है, मेरे पिता का नाम मिस्टर सिमाउद्दीन सिद्दीकी है। मैं यहाँ TS
TSS हैवी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जंडू सिंह में एक्सेलेरेटर चलाता हूँ। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको आए इधर? मुझे इधर आए हुए 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए ना। 8 दिन में आज हम देखेंगे 8 दिन में इन्होंने क्या सीखा हो, ठीक है? इनके स्टार्टिंग से लेके ऊपर चढ़ने तक देखेंगे क्या ये करते हैं, ठीक है? ट्रेनर भी मौजूद हैं। चलिए एक बार चला के तो दिखाएं। थ्री स्टेप चढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई भी हैवी कोई इक्विपमेंट में आप चढ़ते हो तो 3 स्टेप होता है, ठीक है? चलिए एक बार। देखिए 8 दिन की ये ट्रेनिंग होती है कि 8 दिन में आपको इतना कुछ सिखा देते हैं। नहीं तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको इतना भी नहीं सिखा पाएंगे। एक स्टूडेंट को हम ऊपर मशीन में चढ़ाकर इतना सिखा देते हैं 8 दिन में, इसलिए बोलते हैं कि 30 दिन में आपको मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाएगी इसी हैवी इक्विपमेंट का। तो नेक्स्ट हमारी JCB है और स्टूडेंट हमारे साथ है। पहले इनका रिव्यू करते हैं कि स्टूडेंट क्या, मतलब कितने दिन हो चुके हैं, कहाँ से आए हुए हैं? चलिए और बताओ कैसे हो? बढ़िया। और कहाँ से आप? मैं जिगराऊं से। तो आपका TSS के लिए आपका कैसा रिव्यू है कि TSS कैसा ट्रेनिंग सेंटर है? ये बहुत बढ़िया सेंटर है जहाँ से बढ़िया ट्रेनिंग मिलती है, सीखने को बहुत मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दबाव में बोल रहे हैं, आपके दिल में जो चीज़ है वो रियल बताएं। नहीं, बहुत बढ़िया है जी, हमने 10-12 दिन में जितना भी सीखा है हमें। कितने दिन अभी आपको यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं? मुझे 12 दिन। 12 दिन में हम लोग क्या सिखा पाते हैं TSS में, आज पूरा आपको लाइव दिखाएंगे इसके लिए। चलिए मशीन के दे सकते हो। आपके सामने पूरी 12 दिन की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसी ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट है वो आपको मशीन चला के दिखाता है। इसलिए कहता हूँ कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आइए और अपने जो एडमिशन वो करवाइए। जहाँ पर हमारी हैवी ड्यूटी ड्राइविंग यानी कि ट्रेलर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप हमारा ट्रैक देख सकते हो, बहुत बढ़िया ट्रैक है। मेरे ख्याल से तो इतना एरिया पूरे पंजाब में किसी ने भी ऐसा एरिया नहीं बनाया होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको देखने में भी। इधर से थोड़ी नज़र में बना दे इधर। ओके, तो ये वाला अपना ट्रेलर है, आप देख सकते हो ट्रेलर। इसी पे ट्रेनिंग करवाई जाती है हैवी ड्यूटी ड्राइविंग के लिए। आपका दिल है हैवी ड्यूटी ट्रेलर की ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट का, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल कर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट से थोड़ी बात करते हैं। और तो ये है स्टूडेंट, और कैसे हो? कितने आए थे? कितने दिन हो गए थे? इनको अभी 14 डेज हो चुके हैं इधर ट्रेनिंग करते हुए। इनका देखते हैं कि ये गाड़ी 14 दिन में कितनी गाड़ी इन्होंने सीखी हुई है, आगे क्या चलाते हैं और बैक रिवर्स कैसे गाड़ी ये कर लेते हैं। 14 दिन में कितनी हम लोग भी ट्रेनिंग दे पाते हैं,
मतलब स्टूडेंट को, ठीक है, पूरी जानकारी भी आपको देते हैं। नेक्स्ट हमारे ट्रेनर भी आ रहे हैं सामने से, उनसे भी थोड़ी मुलाकात कर लेते हैं। अरे मेरा भरा ट्रेनर हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर है, तो ये है कि साढ़े भाजी तो ट्राले की ट्रेनिंग कराते हैं। तो भाजी तो एक्सपीरियंस है कि टी एस एस मूवमेंट है? मेरा भी जो मेरा 6 साल का एक है दुबई में, इतने इंडिया थोड़ी बस चलाई, उन्हें मैं ज़्यादा कम कराया, तो 6 साल बाद चला गया दुबई का लाइसेंस मेरे को बहुत ज़्यादा था, तो स्टार्ट में लाइसेंस मिल गया आप देख सकते हैं कि टी एस एस में इंटरनेशनल जो ड्राइवर हैं दुबई का, इनके पास लाइसेंस है, 4 नंबर ट्रेलर का लाइसेंस है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस भी है डीपी वर्ल्ड में, ठीक है। तो आज स्टूडेंट को लेके चलते हैं, देखते हैं, चलिए आए। इस स्टूडेंट को सिर्फ 15 डेज हुए हैं, ये देखेंगे कि क्या ये कुछ कर पाता कि नहीं 15 दिन में, हमने कुछ इसको सिखाया कि नहीं सिखाया। चलो पूरी वीडियो आपको ज़्यादा जो काम दोस्तों, सबसे जो मेन काम होता है वो होता है रिवर्सिंग का। ट्रेलर को रिवर्स करना बहुत मुश्किल की बात है। आपके सामने ही 15 दिन की जो ट्रेनिंग वाला जो स्टूडेंट है वो भी बैक करके दिखा रहा है। जैसी भी जो एक्सावेटर हो गया, जहाँ फोर क्लिप हो गया, जहाँ कोई भी आपको जहाँ पर आपको जो रियल चीज़ है वही दिखाने की मैंने कोशिश की है। फिर भी आपको कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। का देखते हैं और रिहाइश देखते हैं कि हमारी रिहाइश कैसी है, क्योंकि सबसे मेन आपको रुकना है 1 मंथ इधर, तो आपको रिहाइश देखनी बहुत ज़रूरी है। जो रियल है, जो चीज़ आपको दिखाई देगी वही हमारे पास है। आपको लगता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो इस ट्रेनिंग सेंटर पे तो आप विज़िट करना, नहीं तो आप एडमिशन करवाना, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं अपना रिहाइश के लिए, रिहाइश देखते हैं कि कैसी हमारी रूम का सिस्टम रहता है और जो खाने का कैसे सिस्टम रहेगा। ओके, आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर क्यों आओगे, ठीक है। सबसे मेन बात होती है रिहाइश की और खाने की। तो हमारा जो खाना रहता है 3 टाइम आपको खाना मिलेगा,
इसके जो पैसे मिस के रहते हैं वो बीच में ही आपको एक्स्ट्रा जो बताए जाते हैं जहाँ इंक्लूड रहता है, आपकी एडमिशन के टाइम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, आपको पूरी डिटेल्स उसमें लिखी होगी कि आपको मतलब कितने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। चलिए सबसे जो मेन बात है कि आपकी रहायश और खाने के जो मिस है हम लोग वो अभी दिखाने वाले हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ऐसा नहीं दिखाता है। आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखना, जे टी एस एस या हमारी इतने हम मतलब कोशिश करने के बाद हमने ये अपना उपराला किया कि हमको सिखाना है दुनिया को अपना हैवी इक्विपमेंट, जो वर्कर फ्रेशर हैं या काम जिनका छूटा हुआ है उनको, जिनका दिल है करने के लिए उनको सिखाने के लिए हमने ये मुहिम एक छेड़ी हुई है। पैसा चलिए लगता ही है, पैसा तो आपको मालूम है, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो पैसा तो आपसे लेके लेगा, मगर ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं देगा आपको, रियल कोई भी दिखा नहीं पाएगा। चलिए बढ़ते हैं मिस की हाल, मिस दिखाता हूँ फिर आपको रिहाल दिखाता हूँ। तो ये हमारा मेस हाल है, ठीक है, आप देख सकते हो जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनका खाना बनाया जाता है। और आंटी जी खाना बनाते हैं, और एक इनका बेटा, आंटी हाँ जी बेटा है जी। तो आंटी जो खाना स्टूडेंट को दिया जाता है कितने टाइम आप देते हो? तीन टाइम, एक सवेरे परांठा, शाम को तीन टाइम, तीन टाइम खाना दिया जाता है। चलिए दो टाइम चाय और मीठा, हफ्ते में मीठा, ठीक है आंटी, बहुत खुशी हुई आंटी आपसे मिलके। और आगे आपको रहायश दिखा रहा हूँ, रहायश में तो ये रूम है, आप देख सकते हो रूम, और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जहाँ पर अभी अगला जो सीजन है गर्मी का आने वाला है, कूलर भी है, और बाहर का मैंने आपको पूरा दिखा दिया था कि ओपन एरिया है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। पंखा भी ऊपर लगा हुआ है, देखिए बेड का आप देख सकते हो, साफ सफाई भी आप देख सकते हो कितनी साफ सफाई है। और नेक्स्ट जो रूम में चलते हैं तो आप बेड देख सकते हो, स्टूडेंट के लिए बेड भी है, ओके। तो जहाँ पर ये वाला जो एरिया रहता है ना, ओपन एरिया बहुत अच्छा रहता है, कोई हवा के लिए ना, वेंटिलेशन है। हाँ जी, तो अभी ऑफिस में चलते हैं और ब्रदर से बात करते हैं जाके, बड़े भाई से, के चार्जेस के बारे में, जहाँ उनकी भी क्या मतलब राय है इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए, क्यों हम आप तक हैवी इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग पहुँचाते हैं, हम रोज़गार देना चाहते हैं, आप कोई ना कोई मशीन सीखोगे तो आपको रोज़गार मिलेगा। चलिए ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं और ऑफिस से देखते हैं और बड़े भाई से बात करते हैं कि क्या क्या वहाँ पर मतलब चार्जेस के बारे में, जहाँ आपकी जो भी डिटेल्स रहेगी, कौन आपकी इंक्वायरी करेगा, मुझे भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये जितने भी हैं हमारे स्टूडेंट हैं, आप दे सकते हो, ये भी स्टूडेंट हैं, बाकी स्टूडेंट जो सीखने गए हुए हैं कुछ ड्राइविंग के लिए और कुछ ऑपरेटिंग के लिए। चलिए दोस्तों ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़े भाई से, क्या चार्जेस रहेंगे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे इस प्रति कि टी एस एस कैसा ट्रेनिंग स्कूल है। चलिए यहाँ पर हमारा ऑफिस है, बाहर के सब साइड में भी ऑफिस है, एक मेन ऑफिस यही है। जी है हमारे ऑनर जी, बड़े भाई जी, और भाई तड़ा आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है जी, जहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, इसके बारे में आपको कुछ बताइए, चार्जेस के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो जेन्युइन काम है वही हम लोग बताना चाहते हैं अपने वर्कर्स को, या अपने जो भी मतलब हम लोग कैसे विदेश में भी भेजते हैं, पूरी डिटेल्स आ जाते हैं जी। जी नमस्ते जी, पहली बात तो आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे स्कूल में आपने विजिट किया और इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी मैं भाई साहब दलवी भाई साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा TSS हैवी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, ये पिछले 14 साल से लोगों की सेवा में, नौजवानों की सेवा में है। तो रही बात, पहले मैं अप्रूवमेंट की बात बता दूँ कि ये लाइसेंस ऑफ 40 द्वारा भारत सरकार और पंजाब सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, मान्यता प्राप्त स्कूल है हमारा। जो हम सर्टिफिकेट स्टूडेंट को देते हैं वो अप्रूव्ड भी होता है और उसका रिकॉर्ड जो ऑनलाइन भी रहता है। और एक बात और पहले बता दूं कि सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लग के ही बंदे का लाइसेंस बनता है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं, मेरे को नौजवान फ़ोन करते हैं कि भैया हमारा लाइसेंस कैसे बनेगा, तो मैं उनको सीधी सी बात बताता हूँ, पहले आप ट्रेनिंग करो, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लग के आप अपने जिला के RTO ऑफिस में जाके अपना लाइसेंस बना सकते हो। ये तो बात रही लाइसेंस की। नंबर दो, अभी मैं आपको बता दूं कि स्कूल के बारे में चार्जेस क्या है।
चार्जेस ये हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास कई तरह की मशीनें हैं, जेसीबी बैकहो लोडर है, एक्सकेवेटर है, ट्राला है, शावल लोडर है, मोबाइल क्रेन है, फोकलिफ्ट है, ऐसी ऐसी मशीन हैं जो आसपास में आपको नहीं देखेंगी, वो भी मशीन हम पंजाब में ट्रेनिंग देते हैं। तो मोबाइल क्रेन का जो जेन्युइन चार्ज है वो 22,000 रुपया एक महीने का लेते हैं हम। जेसीबी का जो है बैकहो लोडर भी बोलते हैं उसको, तो जेसीबी भी बोलते हैं उसका 9,000 है। एक्सकेवेटर जिसको पोकलैंड आमतौर के ऊपर लोग बोलते हैं, लेकिन उसका जेन्युइन नेम जो है वो एक्सकेवेटर होता है, उसका 10,000 रुपया फीस है। फोकलिफ्ट का 9,500 यानी कि 9,500 रुपया फीस होता है। तो ट्रेलर का ट्राला जो बड़े वाला घोड़ा होता है उसका 10,000 रुपया फीस होता है। और सभी मशीनों की जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, टाइम है, वो एक महीने का रहता है। एक महीने का टाइम होता है और एक महीने में हम गारंटी से सिखाते हैं। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि एक महीने में सीख जाऊंगे, तो मैं बोलता हूं भैया हम पहले दिन से प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक महीने में से 20 दिन थ्योरी करवाएंगे, 10 दिन प्रैक्टिकल करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले दिन से उनका प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है और साथ में थ्योरी करवाते हैं। तो ये तो है हमारा प्रोसीजर। और रहने के लिए जगह जो हॉस्टल है वो फ्री में है, उसका कोई पैसा नहीं, रहने का, लॉज का, रूम का कोई पैसा नहीं है, हॉस्टल बिल्कुल फ्री है। मेस का जो खाने का वो अलग से 4,500 रुपया यानी 4,500 रुपया अलग से देना पड़ता है। जैसे अगर बंदे ने दो मशीन सीखना हो, जेसीबी और एक्सकेवेटर दोनों, तो वो हम डिस्काउंट में 45 दिन में कोर्स करवाते हैं, उसका 15,000 रुपया लेते हैं, ठीक है जी। और ऐसे ही कोई भी मशीन अगर कोई बंदा ज्वाइंट सीखता है तो उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट हम देते हैं। और ये 14 साल से हैं, बहुत से लोग हैं, आपको भी पता है कि बहुत से बंदे हमसे सीख कर जहाँ से विदेश में जाकर सेटल हो गए हैं, अच्छा खासा वो वहाँ पे रोटी बनाते हैं, रोटी कमाते हैं, अच्छा उनका रोजगार चलता है जी। अच्छा ब्रदर, एक बात और जानना चाहता हूँ कि जहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आप विदेश में भेज सकते हो नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनके मन में शंका रहती है कि हमने ट्रेनिंग कर ली है, हमें विदेश में भी बाद में भेज दो, तो कभी भी ऐसा कोई जॉब निकलेगी तो आप भेज सकते कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे को भी जब फोन करते हैं तो वो पूछते हैं, तो मैं उनको सिंपली बताता हूँ। क्योंकि ये आपको जैसे बताया कि पंजाब का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पे सभी मशीनें ट्रेनिंग के लिए मिल जाती हैं, तो क्या होता है इन एरिया के जितने भी एजेंट हैं वो सारे के सारे हमारे पास टेस्ट के लिए, इंटरव्यू करने के लिए आते हैं। तो उस वक्त जितने हमारे स्टूडेंट भी होते हैं हम उनका भी कॉन्टेक्ट करवा देते हैं। और अगर वो कोई बंदा पूछे कि आप भी हमको कोई अच्छा एजेंट बता दोगे जो भेज सकते हो, तो हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, करते हैं। और चले भी गए हैं हमसे सीखकर सऊदी अरब में, दुबई में, बहुत से बंदे कुवैत में भी सिलेक्ट हुए हैं हमारे स्कूल से जी। इस वीडियो से आप बहुत संतुष्ट हो चुके होंगे, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, पाजी का भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मेरा भी मिल जाएगा, आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, नहीं तो TSS का जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी दूसरी जो वीडियो है जिसमें हमने चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप एक बार उस वीडियो को भी चेक कर लेना। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जहाँ कोई आपका दोस्त कोई ऐसा कोर्स करना चाहता है, जहाँ कोई हैवी इक्विपमेंट सीखना चाहता है, तो उसके साथ वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, गुड बाय।